नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम और खबर अब यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 5 साल तक लूटमार की राजनीति करने वाले और अपने पिता की विरासत की गुंडागर्दी की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले अखिलेश यादव ने अब एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। और उस बयान में अखिलेश ने ये कहा है कि पहले ही उत्तर प्रदेश में एक बाबा थे और दूसरे बाबा भी आ गए और ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको जनता पहले ही पहचान चुकी है, इसलिए जनता इनके साथ नहीं आने वाली है। ये दूसरे बाबा प्रवचन देने आए हैं और इन ढोंगी बाबाओं ने जिस तरीके से जनता के विश्वास के साथ छल किया है उसकी वजह से CAA पर समर्थन के लिए इनकी झोली में कुछ भी नहीं मिलने वाला है और जनता झूठे बाबाओं से यही कहेगी कि बाबा इस बार चले जाओ तो कभी लौट कर मत आना। दरअसल अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है, ये जो पूरा चिड़चिड़ापन है, ये हताशा है, इसकी वजह ये है कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा तीखा हमला बोला था अखिलेश यादव के ऊपर। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को मैं यही कहूँगा कि अखिलेश बाबू कुछ पढ़ा करो, कुछ लिखा करो और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ये बेकार की तोता रटन छोड़ दो और रटने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दरअसल अमित शाह ने ऐसा इसलिए कहा था कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की तरह CAA के मुद्दे पर वही रटी रटाई बातें करते हैं और इसी को लेकर कटाक्ष किया था अमित शाह ने। और अखिलेश यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो लोगों को पैसे देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं CAA के मुद्दे पर, जबकि CAA के अंदर एक भी लाइन ऐसी नहीं है जब जिसमें कहा गया हो कि किसी की नागरिकता ली जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और उसका मुखिया अखिलेश यादव जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है, और रामपुर में जो पूरा का पूरा दंगा हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के ही सांसद और विधायक का हाथ था, ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी। अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति करते हैं और कर रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जातिवाद के अलावा और तुष्टिकरण के अलावा उनकी सोच कहीं भी आगे जाती नहीं है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की भी बात बार बार उठाने की कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है कि अब पूरे देश में जातिगत गणना होनी चाहिए, यानी कि वो देश को जातियों में बांट देने का जो कुविचार है उसकी तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि लोहिया की राजनीति का एक तरीके से विरासत बताते हैं मुलायम सिंह यादव और उनके ये बेटे, लेकिन लोहिया हमेशा से जातियों के खिलाफ थे, लोहिया जातिवाद की राजनीति के खिलाफ थे और जातिगत जनगणना के भी खिलाफ थे। वहीं लोहिया के चेले का बेटा अब जातिगत जनगणना की बात करता है और दूसरी तरफ आज की जो सरकार है उस पर कटाक्ष करता है, कभी भगवा पर कटाक्ष करता है, कभी वो भगवा के नाम पर बाबाओं पर कटाक्ष करके सीधे तौर पर अखिलेश यादव अपनी शर्मनाक जो सोच है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित महिलाओं द्वारा लखनऊ में कई जगह प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही थी और एक बड़े पार्क में जिस तरीके से टेंट वगैरह लगाकर कंबल से लेकर खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई थी, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन लोगों का सारा तामझाम हटा दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा तिलमिला गया था। और उसके बाद घंटाघर पर एक और दूसरा प्रदर्शन हो रहा था, वहाँ अखिलेश यादव की बेटी को भी देखा गया। इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव और उसका पूरा का पूरा परिवार CAA के विरोध में जो ये झूठ बूट का बरगलाने के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें पूरी तरीके से शामिल है। और इसी कड़ी में दिल्ली का एक शायर है मुनव्वर राणा, उसकी भी दो बेटियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है जिन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की, पुलिस की एक कांस्टेबल को पीटने की कोशिश की और उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, जिसके बाद FIR दर्ज हुई। घंटा घर पर भी महिलाएं इकट्ठी होकर उसी तरीके से ड्रामा करने की कोशिश कर रही हैं जैसा कि दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहा है, और दिल्ली के शाहीन बाग में ये आज 37वें दिन है जिसको लेकर आज दिल्ली की कुछ महिलाएं LG से मिली और LG ने उन्होंने कहा कि यहाँ से धरना प्रदर्शन बंद करिए, विरोध करना है तो दूसरी जगह जाइए, रामलीला मैदान में करिए, जंतर मंतर पर करिए और कम से कम स्कूली बच्चों के लिए और जो सार्वजनिक यातायात की बसें हैं उनके लिए रोड खोल दो। तो इन महिलाओं ने ये कह दिया स्पष्ट तौर पर कि हम एम्बुलेंस और स्कूल की जो बसें हैं उनके लिए तो रोड खोल सकते हैं, बाकी के लिए नहीं खोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जैसे लोग जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं या ममता बनर्जी जैसे लोग जो इसके पीछे हैं और ये इस सब के बहाने अपनी कुत्सित राजनीति को साथ लेना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को साथ लेना चाहते हैं, यही वजह है कि CAA के पूरे कानून को समझे बगैर ये तोता रटन में दो ही बातें बोल रहे हैं कि CAA में मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया और NRC के द्वारा यहाँ से मुस्लिमों से बर्थ सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, उनसे उनके बाप और माता के जन्म के सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, जबकि न तो CAA को लेकर ये सच बोल रहे हो ना ही NRC को लेकर, क्योंकि NRC पहले भी इस देश में कई बार लागू हुआ है
और एनपीआर को लेकर भी अब ममता बनर्जी खुलकर अपने उलझुल बयान देना शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने प्रदेश की विधानसभा में सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास कराएंगी और उसके बाद एनपीआर को लेकर उसने कहा कि पूरे देश के जो भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो राज्य शासित हैं दूसरी पार्टियों के, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो इकट्ठे होकर एनआरसी को समझें, एनपीआर को समझें, और एनपीआर एनआरसी का ही एक हिस्सा है। जिस तरीके से सीए रिलेटेड है एनआरसी से, उसी तरीके से एनपीआर भी रिलेटेड है, और इसमें भी जो माँ बाप के बारे में जानकारी मारी गई है उससे स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पर यह एनआरसी से जुड़ा हुआ है। यानी ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो भी चीज़ या जो भी फॉर्म में माँ बाप से संबंधित सवाल होते हैं वो एनआरसी से जुड़ा हुआ है। तो फिर जब आदमी आधार बनवाता है, बैंक अकाउंट खोलता है या दूसरे पैन कार्ड से लेकर दूसरे तमाम फॉर्म भरता है, उसमें भी माँ बाप की जानकारी मांगी जाती है, उसके जन्म की जानकारी मांगी जाती है, उसकी शैक्षिक योग्यता की जानकारी मांगी जाती है। तो क्या ममता बनर्जी अपने चाहने वालों से, अपनी पार्टी के लोगों से और अपने वोट बैंक से ये कहने का साहस रखती है कि जहाँ जहाँ इस तरीके की जानकारी मांगी जाती है उन नौकरियों के लिए अप्लाई मत करो, स्कूलों में फॉर्म मत भरो और किसी भी ऐसी योजना से किसी भी ऐसे दस्तावेज को मत बनवाओ जिसमें माता पिता की जानकारी मांगी जा रही है। यानी इन लोगों की जो समझ है उस पर एक तरीके से हंसी आनी चाहिए, लेकिन आज का जो मेनस्ट्रीम मीडिया हो गया है वो पैसा लेकर कुछ भी उलझुल दिखाने के लिए राजी है। वो कभी सवाल नहीं करता है कि आप लोग जो पूछ रहे हैं क्या उसका कोई सेंस बनता है या नहीं बनता है। क्या ममता बनर्जी ये कहने की कोशिश कर रही है कि आदमी ने जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पासपोर्ट तक व्यक्ति जो सर्टिफिकेट बनवाता है उसमें माता पिता की जानकारी देने से उसका जो एनआरसी में उसको बायकॉट कर दिया जाएगा। और फिर ममता बनर्जी ये भी कहती है कि अगर ये ज़रूरी नहीं है तो फिर आप इसको, इस सवाल को हटा दीजिए, अन्यथा हम यही मानेंगे और ना ये जानकारी भी देने से उन्होंने मना कर दिया लोगों को। ममता बनर्जी के पास खुद पासपोर्ट भी है, पैन कार्ड भी है, अकाउंट भी है और हर जगह पर उन्होंने अपने माता पिता की जानकारी दे रखी है क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। अगर कोई महिला शादीशुदा होती है तो पति का नाम देती है, नहीं तो माता पिता का नाम जाता है और पैन कार्ड में तो पिता का ही नाम जाता है। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी लोगों को गुमराह करके वो सोच रही है कि किसी तरीके से उनकी जो सत्ता है 2021 के आने वाले चुनावों में जो खिसकने वाली है उनके हाथ से, वो किसी तरीके से बच जाए। और इसके लिए वो एकमात्र सहारा बांग्लादेशी घुसपैठियों में जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं और तमाम आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उन्हीं में देख पा रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसी तरीके से सोचता है और उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत भारी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बस चुके हैं जिनको बसाने का काम मुलायम सिंह की सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने और मायावती की सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर किया था। और वो आज कई जिलों में वोट बैंक के तौर पर निर्णायक स्थिति में है और यही वजह है कि अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी, ये दोनों के दोनों लोग अपने अपने राज्यों में इनका पक्ष में खड़े हुए हैं। और अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं कि आप मजहब के आधार पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सभी को दीजिए, वही बात ममता बनर्जी कहने की कोशिश कर रही है कि आप सभी को नागरिकता क्यों नहीं दे देते। यानी कि आज तक पिछले 40 से 50 सालों से जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या को लेकर देश के अंदर तमाम जगहों पर प्रदर्शन होते रहे, जनता की मांग होती रही और खुद ममता बनर्जी भी संसद में इस मुद्दे पर हंगामा कर चुकी हो, बार बार कहती थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी और एनडीए का हिस्सा थी, तब भी उसका यही कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में बसे हैं इनको बाहर निकाला जाए क्योंकि ये स्थानीय बंगालियों के खाने पीने और राशन पर डाका डालते हैं, चोरी डकैती करते हैं, बलात्कार करते हैं और तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसको लेकर ममता बनर्जी एक बार तो लोकसभा के तत्कालीन जो स्पीकर थे उनसे भिड़ गई थी, उसके बावजूद आज ममता उन सारी बातों को भूल चुकी है और आज ममता को वही बांग्लादेशी घुसपैठी है बहुत ज़्यादा प्रिय लग रहे हैं। वो उनके पक्ष में खड़ी हुई है, वो उनको हर हालत में बांग्लादेश से आने के बाद जिस तरीके से वो यहाँ रह रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में उनको नागरिकता देने की सोच रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी बार बार कहती है कि इसमें आप उन लोगों को भी नागरिकता दे दो जो मुस्लिम हैं और दूसरे देशों से आए हैं। ममता का सारा दर्द यही है कि 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए जो ममता का अनुमान है उस हिसाब से बांग्लादेश से आए हुए पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनको अगर नागरिकता मिल जाएगी तो उसका बहुत बड़ा वोट बैंक बचा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिलीप घोष ने भी कहा था अभी कल
उन्होंने बोला था कि अगर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल दिया गया तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की जो सीटें हैं वो 50 से कम रह जाएंगी, और यही डर ममता बनर्जी को बार बार सताता है। इसीलिए जब भी सीए या एनपीआर एनआरसी का मुद्दा आता है, और अगर नहीं भी आता है एनआरसी एनपीआर तो अभी लाइन में भी नहीं है एनआरसी, तो उसके बावजूद ममता बनर्जी बार बार एक ही बात बोलती है कि सीए एनपीआर और एनआरसी को लागू नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ले लो चाहे कुछ कर लो। अब ममता बनर्जी बार बार ये ड्रामा करके लोगों के मन में एक डर पैदा कर रही है, और बहुत से जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम हैं, जो स्थानीय हैं, जो पहले से रहते हैं, उनको भी ये डर दिखा रही है कि उन्हें भी बाहर कर दिया जाएगा अगर एनपीआर और एनआरसी लागू हुआ तो। निश्चित तौर पर आज की राजनीति में जिस तरीके से क्षेत्रवादी पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं और गुमराह करके सीए जैसे कानून के ऊपर गलत व्याख्या कर रही हैं, उसको लेकर अब ये प्रश्न जरूर उठता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कोई कानून जल्दी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा चलता रहेगा तो देश में तमाम काम रुके हुए हैं, तमाम जगह पर, जैसे दिल्ली की बात करें तो यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को सीए के बारे में गलत जानकारी देकर भड़काकर सड़कों पर बिठा दिया गया है। और वही हालत पश्चिम बंगाल में है, जहां 500 करोड़ से ज़्यादा की सरकारी संपत्तियों को ऐसे लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो उनके साथ खड़ी रहेगी तो निश्चित तौर पर उसको आने वाले चुनावों में एक जीत मिलने की संभावना बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।